हिमाचल के रामपुर बुशहर के बच्चों ने योग में 16 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर योग में नया इतिहास रचा है। ट्रिपल एच योग समिति द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाने वालों में अधिकतर बच्चे रामपुर के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। भारत को योग में विश्व गुरु बनाते हुए निरोग और स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए हिमाचल के पहाड़ों पर योगी तैयार होने लगे हैं। शिमला जिले के रामपुर में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें 16 रिकॉर्ड दर्ज किए गए। इस प्रतियोगिता में हिमाचल के अलावा दूसरे राज्यों ने भी भाग लिया, लेकिन रिकॉर्ड बनाने वालों में अधिकतर हिमाचल प्रदेश के रामपुर के दूरदराज पिछड़े इलाके के बच्चे रहे। इस प्रतिस्पर्धा में एक छात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से योग की प्रेरणा लेकर 3 रिकॉर्ड अपने नाम किए, जबकि एक रिकॉर्ड बीते वर्ष भी वे बना चुकी है। हिमाचल के दूरदराज पिछड़े क्षेत्र में योग में इस मुकाम तक छात्रों और युवाओं को पहुंचाने में ट्रिपल एच योग समिति गानवी सेतु का काम कर रहा है। ये 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 14 रिकॉर्ड जैसे सुबह में आज बताया गया यहाँ पे, और 14 रिकॉर्ड जज करने में यहाँ पे आया हूँ मैं एज मैनेजर गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से, और 14 में से 13 रिकॉर्ड अटेम्प्ट्स तो हो चुके हैं। एक रिकॉर्ड जो है अभी आधे घंटे प्रारंभ होने वाला है, शुरू होने वाला है, और उसके बाद में जो है हम अपना फाइनल डिसीजन देंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बने कि नहीं बने। एंड टू माय नॉलेज एंड टू माय बिलीफ आई एम फुली कॉन्फिडेंट, जो मैंने अभी तक जज करा है यहाँ पे, जो मैं टाइमिंग्स नोट करें, जो मैंने टाइम ऑब्जर्व करें, इन्हीं के ऑल स्टैंड फॉर द वर्ल्ड रिकॉर्ड। ट्रिपल एच योग समिति के योग शिक्षक और योगा के अंतर्राष्ट्रीय रेफरी रणजीत सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग अभ्यास शिविर विश्व कीर्तिमान दिवस के अवसर पर 16 से अधिक विश्व कीर्तिमान बने। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देश भर के कई बच्चों ने भाग लिया है। इस दौरान प्रतिभागियों ने बताया कि योग केवल शारीरिक क्रिया ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्रिया है। उन्होंने कहा कि योग मनुष्य जीवन में अत्यंत लाभकारी है। मैंने पिछले वर्ष भी पश्चिमोत्तान आसन में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था 1 घंटा 22 मिनट का, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस बार भी 3 विश्व कीर्तिमान स्थापित करने जा रही हूँ। पिछले वर्ष भी इसी दिन मैंने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, इस वर्ष भी मैं इसी दिन विश्व कीर्तिमान स्थापित करने जा रही हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेकर मैं योगा को पूरे विश्व में फैलाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग आगे आए और इस चीज़ से प्रेरणा लेकर योगा को बढ़ावा दें। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट।